हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आज मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहूंगी कि जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं कि अभी तक हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, या फिर हम कैसे पढ़ाई करें। बहुत अभी गिन चुन के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, फरवरी का भी 1 वीक तो चला ही गया है, करेक्ट? मतलब अब आखिरी के आपके पास कुछ 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, ठीक है? तो अब उसमें पढ़ाई कैसे करें? तो ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की, या फिर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है। ये बच्चे जो जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, जिनका पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है, टाइम टेबल वाली, प्लीज जाकर चेक करिए, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम हम कैसे पढ़ाई करना स्टार्ट करें। मतलब वो बोलते हैं कि अब मैं पढ़ा, बहुत सारे बच्चों के तो मन में ऐसा होता होगा कि पूरे साल पढ़ाई नहीं की, अब मैं क्या करूँ। तो उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। ठीक है, बहुत काफी शायराना माहौल हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर उन बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिनको इसकी खास जरूरत है, जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, या फिर जिन्होंने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट की है। तो सबसे पहले आप एक्शन प्लान, जो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, टाइम टेबल वाला, सारे सब्जेक्ट्स के पेपर पैटर्न और सारे सब्जेक्ट्स के वेटेज वाले वीडियोस जाकर देखिए प्लीज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये सारे वीडियोस आप जाकर पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो आकर कंटिन्यू करिए। अब यहाँ पर आपको फिजिक्स में, अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है या फिर थोड़ी थोड़ी की है, तो आप फिजिक्स के ये 7 चैप्टर स्टार्ट कर सकते, मतलब ये 7 चैप्टर्स आप अभी कर सकते हो। तो रोटेशनल डायनेमिक्स 7 मार्क्स, ऐसे ये वेटेजेस हैं कितने मार्क्स का है, विथ ऑप्शन मैंने लिया है। तो इसका अगर मैं टोटल देखूंगी तो 45 मार्क्स हो रहा है, और प्रैक्टिकल हमारा होता है 30 मार्क्स का। तो आपको 30 या 29 तक तो आपको मिल जाएगा गारंटेड, 28 तक तो आपको गारंटेड मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप 45 प्लस 30 करते हो तो आप इजीली 75 स्कोर कर सकते हो, या फिर कोई बच्चा इसमें से 1-2 चैप्टर और स्किप करना चाहता है तो वो बच्चा 60 तक तो आराम से स्कोर कर सकता है, ठीक है? तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पर मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, किस ये सारे टॉपिक्स इजी हैं, ये सारे इसमें वेटेजेस ज्यादा वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए ये सारे चैप्टर्स मैंने लिए हैं और इजी भी काफी हैं। जैसे मैग्नेटिक मटेरियल में से तो इतना सौदा रिड्यूस हो गया है कि कुछ पढ़ना ही नहीं है, लेकिन उसका वेटेज 5 मार्क्स का है। तो स्मार्ट स्टडी अब आपको करनी है, ठीक है? केमिस्ट्री में भी सेम है, केमिस्ट्री को अगर ये सारे 7 टॉपिक्स आप कर रहे हो, 7 चैप्टर्स, तो आपका 48 मार्क्स हो रहा है, प्लस 30 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल्स, 78 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है? मैथ्स 1 में अगर आप ये 4 टॉपिक, ये 4 चैप्टर, और मैथ्स 2 में ये 4 चैप्टर करते हो, तो टोटल आपका 60 मार्क्स हो जाता है, और प्लस 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है आपका मैथ्स में, तो आपको 80 मार्क्स इजीली मैथ्स में आप स्कोर कर सकते हो, जो बहुत बड़ा स्कोर है। अब यहाँ पर बायोलॉजी का जो है, उसको ये सारे 6 चैप्टर्स अगर आप कर रहे हो तो आपको 44 मार्क्स इजीली मिल जाता है। मोस्टली जो जेई वाले बच्चे हैं, उन्होंने बायोलॉजी थोड़ा सा भी हाथ नहीं लगाया होता है, तो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल से मिलेंगे, तो 74 मार्क्स जो अच्छा खासा स्कोर है आपके लिए, तो आप ये कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि ये सारी चीजें, ये सारे चैप्टर्स भी कैसे कवर करूं, तो आप पहले एक्सरसाइज पढ़ो, उसके बाद ये लेसन्स को गो थ्रू करो, और हमारे दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो, सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो, PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करो। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, अगर मैं कैलकुलेट करूँ इन सारे मार्क्स को, जो PCMB जो मैंने अभी बताया, फिजिक्स में 75 out of 100, 78 इन केमिस्ट्री आउट ऑफ 100, 80 out of 100 इन मैथ्स, एंड 74 out of 100 इन बायोलॉजी,
अपॉन 400, ठीक है, टोटल 400 होगा, 100 100 मार्क्स का है, इनटू 100 परसेंटेज निकालना, आई होप सबको आता होगा। तो यहाँ पर 59.25% आ रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 60%। तो यहाँ पर मैंने आपके लैंग्वेजेस, जो दो लैंग्वेजेस होते हैं, एक इंग्लिश और एक जो आपने लिया होगा हिंदी मराठी जो भी हो सकता है वो, तो उसका अगर मार्क्स मैं कंक्लूड करूंगी तो आपको आराम से 65 to 75% आप स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पर बात रही कि जिसको पीसीएम है या पीसीबी है, तो पीसीएम का स्कोर कैलकुलेट करो और पीसीबी का स्कोर कैलकुलेट करो, जो आपका ड्रॉप है वो चीज़ यहाँ से हटा दो। समझ में आया? तो ये इतना इजी था। अगर इसमें भी आपको कुछ भी डिफिकल्टीज है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहां आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो तो लाइक करिए, अपने मैम के लिए कमेंट करिए और शेयर करिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स जहाँ तक हो सके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।